सब्सक्राइब कीजिए टॉप सीरीज ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां मर्दों को एक से ज़ायद औरतों से शादी लाजमी करार दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एरिट्रिया मशरक़ी अफ्रीका का एक मुल्क है जो अफ्रीका के उफक में वाक़िया है। इसका दारुल हुकूमत असामरा है। इसकी सरहद मगरब में सूडान, जनूब में इथियोपिया और जनूबी मशरक में जिबूती से मिलती है। एरिट्रियन हुकूमत ने मुबैना तौर पर मकामी मर्दों को एक से ज़ायद शादी करने या ज़िंदगी के लिए जेल भेजने के ख़तरे में डाल देने का हुक्म दिया है। इत्तला'आत के मुताबिक कारकुनों ने मुबैना तौर पर एरिट्रिया की हुकूमत की जानिब से इंटरनेट पर एक बयान शाया किया था, जिसमें कहा गया था कि इथियोपिया के साथ खाना जंगी के दौरान होने वाले हलाकतों की वजह से मर्दों की शदीद किल्लत के सबब मर्दों को कम अज़ कम दो अजवाज मुतहरात से शादी करना चाहिए। ये भी बताया जाता है कि एरिट्रियन महकमा बराए मजहबी अमूर का बयान अरबी में लिखा गया था और इसमें मंदजर वाला बातें बताई गई थी। अजवाज मुतहरात में खुदा के कानून की बुनियाद पर और मर्दों को कमी की सूरत में जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, इसके पेश नज़र एरिट्रियन के मजहबी उमूर के महकमा ने मंदरज ज़ैल पर फैसला किया है। नंबर एक, पहले ये कि हर मर्द कम से कम दो ख़वातीन से शादी करें और जिस आदमी ने इससे इनकार किया तो इसको सख्त मशक्क़त के साथ उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। नंबर दो, वो औरत जो अपने शोहर को दूसरी बीवी से शादी करने से रोकने की कोशिश करेगी उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। बयान में ये भी कहा गया है कि हुकूमत दूसरी शादी करने वाले मर्दों के लिए शादी की तकरीबात और घरों की कीमत अदा करने पर मुत्तफिक होगी। ये वाज़ेह नहीं कि ये बयान दीगर दो कौमी ज़बानों में क्यों नहीं था। कम से कम 1.5 लाख एरिट्रियन फौजी इथियोपिया से अलीहदगी की जंग के दौरान मारे गए, जो 1998 से 2000 के दरमियान हुई। उस वक्त एरिट्रिया की आबादी कम से कम 4 लाख थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।